कुछ दिन पहले मैं लखनऊ से अपने गांव जा रहा था पैसेंजर ट्रेन से। मैं खिड़की की तरफ बैठा हुआ था। मेरे सामने वाली सीट पर पत्नी और दो बच्चे आकर बैठे। लड़का छोटा था और लड़की उससे बड़ी 8-9 साल की थी। ट्रेन चल दी और फिर ख्यालों में मैं खो गया। कुछ दूर जाने के बाद मेरी नज़र उन पति पत्नी पर पड़ी। उनका व्यवहार मुझे उस बच्ची के प्रति अच्छा नहीं लगा। बहुत ही रूढ़ व्यवहार था उनका उस बच्ची के प्रति, जैसे कि बात बात में डांट देना। थोड़ी सी भी वो बदमाशी करे उसकी पिटाई कर देना। उसका खिड़की की तरफ बैठने का मन करे तो उसे खींचकर किनारे कर देना, तथा खिड़की की तरफ इसके छोटे भाई को बैठाना या स्वयं बैठना। मुझे उस दंपत्ति का लड़की के साथ व्यवहार एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोच रहा था ऐसा कैसे कर सकते हैं कोई माँ बाप अपनी बच्चे के साथ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं खिड़की से बाहर देखने लगा और फिर ख्वाबों में खो गया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि वो आदमी किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था, कुछ दवाई और अस्पताल की बातें कर रहा था। तब मैंने उस महिला के बगल देखा, एक बड़ी सी पॉलीथीन रखी थी जिसमें एक हॉस्पिटल का नाम लिखा था और उसके अंदर कुछ कागज़ और दवाइयाँ थीं। फिर मैं उस बच्ची की तरफ देखा जो चलने बैठने में कुछ असमर्थ लगी। जब मैंने उसका पैर देखा तब मुझे लगा कि जैसे ये बच्ची पोलियो की शिकार हो। फिर मैं सोचने लगा, तब मुझे पता चला कि ये दंपत्ति उस बच्ची के साथ इतना गलत व्यवहार क्यों कर रहे थे। असल में वो बच्ची पोलियो से ग्रसित थी और उसके इलाज के लिए ये दंपत्ति आए हुए थे लखनऊ। इलाज में अधिक खर्च की वजह से गुस्सा आ रहा था इन्हें। इस गुस्से को उस बच्ची पर उतार रहे थे, पर इसमें उस बच्ची की क्या गलती? उसे क्या मालूम कितना खर्च हो रहा है? वो तो बस प्यार से मुस्कुरा देने मात्र से खुश हो जाती। इंसान का अपनी समस्याओं को बच्चों पर थोपना, उन पर गुस्सा निकालना अच्छी आदत नहीं है। बच्चों को तो कुछ नहीं चाहिए, बस अगर आप प्यार से बोल दें उतने मात्र से वो खुश हो जाते हैं। इसलिए हमें इन प्यारे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इनके लिए तो सब कुछ हम ही हैं। कुछ देर बाद उनका स्टेशन आ गया और वो उतरने लगे। तभी उस बच्ची ने देखा कि उसके पापा का पानी का बोतल छूट गया था। उसने बोतल उठाया और मुस्कुराते हुए अपने पापा को दिया।